हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्यूटीफाई मी। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी को, मैन हो या वुमेन हो, सबको ही ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आफ्टर कोविड ये प्रॉब्लम और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि उन्हें हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हेयर थिन हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। सो सबके लिए हम कुछ होम रेमेडीज उनको सजेस्ट करते हैं और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है ये होम रेमेडीज। तो आज मैं वही होम रेमेडीज और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके हेयर फॉल में भी काफ़ी कमी आ जाएगी, आपका हेयर फॉल जो है 80% कम हो जाएगा। बट कंसिस्टेंसी से इन चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि ये सारे जो हर्ब्स होते हैं या फिर होम रेमेडीज होती हैं वो क्विक रिजल्ट्स नहीं देती हैं, तो इसे आपको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना होगा। साथ ही साथ हेयर फॉल अगर हो रहा है तो आपको विटामिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो इससे भी आपका हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये टेस्ट करवा लीजिए अगर आपका हेयर फॉल एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो। अगर थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है और अगर हेयर डल है तो आप ये होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपना जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए इसके लिए। और अगर अच्छा डाइट होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं हेयर फॉल हो रहा है तो ये होम रेमेडीज काफ़ी वर्क करते हैं। ये हमने अपने क्लाइंट्स पे यूज़ किए हैं, अपने क्लाइंट्स को दिए हैं और उनके हेयर फॉल में, उनके हेयर टेक्स्चर में काफ़ी चेंजेस आए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो है करी लीव्स। करी लीव्स आपको अपने किचन में ही मिल जाते हैं और करी लीव्स में काफ़ी अच्छा आयरन होता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और ये करी लीव्स जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, जो आपके जो भी अगर स्ट्रेस के कारण या आजकल पॉल्यूशन के कारण आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये करी लीव्स को आपको कैसे यूज़ करना है, करी लीव्स के आपको 3-4 पत्ते लेने हैं, करी लीव्स लेने हैं और उसे अच्छे से वॉश करके आपको च्यू करना है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं खाली पेट इनको च्यू करके ऊपर से आपको पानी पी लेना है। ये सबसे इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। और अगर आप ऐसा अगर डेली यूज़ में अगर आप मॉर्निंग में ये नहीं कर पाते हैं तो आप करी लीव्स को ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर फॉर्म भी अपने डेली जो खाने में है उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कर्ड में डाल सकते हैं या फिर दालों में डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेमेडी है वो है आंवला। आंवला के बारे में तो सबने सुना है और सबको पता ही है कि ये जो है हेयर के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन सी रिच होता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो अच्छा होता है लेकिन हमारे हेयर्स के लिए तो ये वंडर का काम करता है। तो इसे कैसे यूज़ करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंवला हम लोग जनरली अचार या फिर हम लोग ऐसे रॉ भी खा लेते हैं, मुरब्बे में हम इसका यूज़ करते हैं, वो भी एक ठीक है कि अगर आप आंवले का डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और ये आपके हेयर को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसका नेचुरल आपको फॉर्म में लेना इससे बहुत ज़रूरी है। तो आंवले का जूस, आपको फ्रेश आंवले का जूस निकालना है। एटलीस्ट 2 या 3 आंवला लेकर आप इसका जूस बना सकते हैं और इस जूस को आपको मॉर्निंग में खाली पेट 2 चम्मच आंवले का जूस पानी के साथ मिक्स करके आप ले सकते हैं डाइल्यूट करके, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आंवला को डेली रूटीन में भी, हमको डेली डाइट में भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे अचार के फॉर्म में या मुरब्बे के फॉर्म में या फिर हम इसकी चटनी के फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको खाना तो है और पर साथ ही साथ इसे अगर आप जूस फॉर्म में लेते हैं मॉर्निंग में तो ये आपके हेयर फॉल को काफ़ी कम कर देता है। इसके साथ साथ आप इसे हेयर पे अप्लाई भी कर सकते हैं, जिनको हेयर इचनेस होती है या फिर ड्राई हेयर रहते हैं या डैंड्रफ रहता है तो वो ये आंवले का जूस अपने हेयर्स पे अप्लाई भी कर सकते हैं। या ड्राई आंवला जो है वो ऑयल में बॉईल करके उसका ऑयल बना सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट अपने इंग्रेडिएंट पे जो है एलोवेरा। एलोवेरा भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके जो हेयर्स को है, हेयर फॉल को स्टॉप करने में, आपके डैंड्रफ को ख़त्म करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। ये
कूलिंग नेचर का होता है, तो जिनको गर्मी में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, समर्स में पसीने के कारण या फिर डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल हो रहा है, वो इसका जेल निकाल के अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हेयर फॉल 70-80% कम हो जाता है। नेक्स्ट है कलौंजी, जो हमारे अचार में जनरली यूज होती है या हम खाने में इसे यूज करते हैं। कलौंजी या हम इसे नाइजेला सीड्स कहते हैं। नाइजेला सीड्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होते हैं। ये ब्लैक कलर के नाइजेला सीड्स होते हैं। इंडिया में इसे कलौंजी कहा जाता है। और ये कलौंजी को हमें कैसे यूज करना है, जिनको ग्रे हेयर का प्रॉब्लम होता है या फिर डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, वो ये नाइजेला सीड्स को इन्फ्यूज्ड करके रख सकते हैं ऑयल में। जैसे कोई भी ऑयल जो आप लगाते हैं, कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप यूज करते हैं अपने बालों के लिए, जब भी आप ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, तो वो जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अच्छी क्वालिटी का ऑयल होना चाहिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी हेयर फॉल को कम करने में। और उसमें आप ये कलौंजी जो है वो इन्फ्यूज कर सकते हैं, मगर ये ऑयल आपको धीरे धीरे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। तो ये कलौंजी का जो ऑयल होता है, ये हेयर फॉल को भी कम करता है और ग्रे हेयर जो होते हैं वो कम करने में काफ़ी हेल्प करता है, ब्लैक रखता है आपके हेयर्स को। तो ये कलौंजी भी हमारे क्लाइंट्स को हमने सजेस्ट की है और ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये आपके हेयर फॉल को कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई, जो ड्राई शिकाकाई आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है और ग्रोसरी शॉप में भी आपको मिल जाएगी, और सोपनट। ये सोपनट जो होते हैं ये शैम्पू का काम करते हैं, इसका आप शैम्पू प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो ये शिकाकाई है, जनरली हम ये रेमेडी जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें बालों में लगाती थी, और ये बहुत ही अच्छी मतलब नेचुरल शैम्पू की तरह ये आपके बालों में रहता है। जो आजकल कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, जो शैम्पू आ रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे जो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारे ऐसी केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। तो ये आपको कितना लेना है, अगर आप एक कप शिकाकाई ले रहे हैं तो आपको 7-8 आपको सोप नट्स लेने हैं, ठीक है। आप इसमें ड्राई आंवला भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई आंवला भी डाल सकते हैं। तो ये आपको पानी में बॉयल करना है, काफ़ी देर तक आपको बॉयल करना है, और जिससे ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। या तो आप प्रेशर कुकर में इसे सीटी भी करवा सकते हैं, 2-3 4 सीटी होने के बाद, पानी डालकर 3-4 इसे सीटी लगाने के बाद इसे ठंडा करना है और इसे मैश करना है। मैश करने के बाद आपको एक थिक वाटर मिलेगा, जिसे आप स्ट्रेन करके बॉटल में रख सकते हैं और शैम्पू के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो इससे इसको अपने बालों में अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज करके एंड नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। तो इससे आपके जो बाल होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। इनिशियली आपके बाल जो हैं वो थोड़े से ड्राई लगेंगे, बट स्लोली ये आपके बालों को जो है बहुत नरिश करने में हेल्प करता है। तो अगर बाल ड्राई होते हैं इसे यूज़ करने के बाद, तो आप इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं और ऑयलिंग कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। कंसिस्टेंसी से इन चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि ये सारे जो हर्ब्स होते हैं या फिर होम रेमेडीज होती हैं वो क्विक रिजल्ट्स नहीं देती हैं, तो इसे आपको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना होगा।